आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कानून व्यवस्था को लेकर। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में लगातार जो कानून व्यवस्था है उसमें कमियां नजर आ रही हैं, जिसके चलते अब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए बैठक रखी। आपको बता दें कि राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की जाएगी और लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो हत्याएं लगातार हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े कर रही हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में ये समीक्षा की गई, रायपुर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में रायपुर पुलिस के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे। आपको बता दें तुलिका हमारे साथ बनी हुई है। तुलिका, कानून व्यवस्था को लेकर आज जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उन्होंने समीक्षा की है और पूरी जानकारी ली है कानून व्यवस्था को लेकर। जी, ये 11 बजे इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में जो है इसकी समीक्षा की थी और इसमें जो प्रमुख अधिकारी हैं पुलिस विभाग के वो सारे मौजूद थे। तो ये समीक्षा ली गई है क्योंकि जिस तरीके से चाकूबाजी और जिस कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रभावित है राजधानी रायपुर में, वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, तब बीजेपी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए विधानसभा का घेराव किया था। तो और ये लगातार जो है जनता की तरफ से भी इसका विरोध होते आया है, क्योंकि जो अभी लॉकडाउन खुलने के बाद अगर हम खास करके देखें तो जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो इसे लेकर गृह मंत्री ने ये जो समीक्षा बैठक की है, इसके बाद इसमें जो कमियां निकली है उस पर क्या एक्शन होता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये बैठक ली गई, समीक्षा बैठक की गई और तमाम जानकारियां कानून से जुड़ी उन्होंने ली। किस तरह का एक्शन वहां पर लिया गया और किस तरह के निर्देश उन अधिकारियों को दिए गए? जी, फिलहाल आपको बता दूं कि अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जिस तरह की कमियां निकली हैं उन्हें नोट किया गया है, इस पे आगे क्या एक्शन होगा वही देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उन्हें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें किस तरीके से और बेहतर बनाना है उस पर काम किया जाए। और ये सारी जो कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, उसकी क्या रीजन है, उस पर ध्यान दिया जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल तुलिका, मानसून से जुड़ी एक खबर है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। तब तक ये खबर दर्शकों को बता दें, ये राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और जो कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही थी उसको लेकर समीक्षा की है और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। हालांकि अभी समीक्षा की गई है, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ एक्शन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ले सकते हैं।